स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार का वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। इसमें कुछ विद्यार्थियों ने जिला, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूलों की शुरुआत बीते वर्ष पूरे प्रदेश भर में की गई और भिलाई के खुर्सीपार में भी इस योजना के तहत एक स्कूल खोला गया। उसी स्कूल का वार्षिक उत्सव गुरुवार को श्री रामचौक खुर्सीपार स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिक निगम भिलाई के MIC सदस्य शिक्षा प्रभारी आदित्य सिंह एवं PWD प्रभारी एकांश भंछोर उपस्थित हुए, जिनसे स्कूल प्रबंधन ने स्कूल के विकास के मद्देनजर कुछ मांगे रखी, जिसे दोनों ही सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए जल्द ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा कर पूरी करने की बातें कही। मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार पुष्प गुच्छ देकर किया गया। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के मेघावी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए प्रशस्ति पत्र और मेडल का वितरण किया गया। मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं में कई ऐसे भी प्रतिभावान विद्यार्थी थे जिन्होंने जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर ख्याति बटोरी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा अपना वार्षिक उत्सव मनाते हुए 6 कन्याओं को साइकिल का वितरण भी किया गया, जिससे इन कन्याओं को दूर दराज क्षेत्र से आने में और शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। MIC सदस्य PWD प्रभारी एकांश मंछोर एवं शिक्षा प्रभारी आदित्य सिंह ने स्कूल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए आने वाले समय में उनकी मांगों पर विचार कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो वहीं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुर्सीपार के प्राचार्य सुरेश कुमार एवं क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष डी कामराजू ने शाला की गतिविधियों सहित वार्षिकोत्सव मनाने की जानकारी दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CM साहब की ये स्वामी आत्मानंद स्कूल हिट नहीं सुपर हिट योजना साबित हुई है। हर पालक चाहता है कि वो अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाए, यहाँ से वो अच्छी चीज़ें सीखे और अपना भविष्य बनाए। और हम यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि जो बच्चे और साथ में जो टीचर्स और प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इतना अच्छा डेवलप हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। और साथ में जो थोड़ी बहुत मांग थी और जो चीज़ें और आगे हम सबको मिल के स्कूल के डेवलपमेंट के लिए करनी है, उस विषय में चर्चा करनी जल्द से जल्द होगी। इसके लिए हमने पहले भी बात करी है और आगे भी लगे हुए हैं, जल्द से जल्द होगा। तो निश्चित ही जो डेवलपमेंट संबंधी मांगे हैं वो पहले से ही नगर निगम को भेजा जा चुका है माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के माध्यम से। जल्द से जल्द उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माननीय PWD प्रभारी मंत्री हम साथ में ही बैठे थे, हम लोगों ने प्लान किया है, बात किया है कि इस स्कूल को पूरे भिलाई शहर का आइडल आत्मानंद स्कूल बनाएंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए भी राज्य शासन से लगातार विधायक जी की चर्चा हो रही है, जल्द से जल्द उस पर भी काम किया जाएगा। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल बालकों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम था, जिसमें धन्यवाद देना चाहते थे कि सही श्रम बहुत क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के कारण जो स्कूल खुला, या पूरे छत्तीसगढ़ में 171 स्कूलों में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हमारे खुर्सीपार के स्कूलों का हुआ, इसलिए पालकों ने आज धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें सभी पालक और हमारे मुख्य अतिथि एकांत मंचोर जी, राजेंद्र सिंह जी और पूरे स्कूल के स्टाफ और सभी का बहुत बहुत आभारी है कि इतना अच्छा कम समय में सीमित संसाधन में अचीवमेंट जो किए। मैं खास करके सुरेश सर प्रिंसिपल का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने कार्य कौशल से बहुत ही अच्छा इस स्कूल को आगे लेकर नाम रोशन किया। वास्तव में स्वामी आत्मानंद स्कूल बालाजी नगर के बहुत से विद्यार्थी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जोन लेवल पे कई प्रतियोगिताओं में क्विज कॉम्पिटिशन में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो PTA की बैठक में तो पालकों ने सुझाव दिया कि भाई हम सरकार का और स्वामी आत्मानंद स्कूल तथा छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे इस स्कूल में नहीं होते तो ये उपलब्धि हमको नहीं मिल पाती। तो निश्चित ही ये स्वामी आत्मानंद में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए कम से कम 250 बच्चे ऐसे हैं जो इस साल में विभिन्न एक्टिविटीज में डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, तो उनको पुरस्कृत किया ही गया। साथ में अन्य विद्यार्थियों का भी उत्साहवर्धन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसी भी शाला के लिए वार्षिक उत्सव मनाना एक हर्ष का विषय होता है, जिससे शाला प्रबंधन द्वारा अपने मेघावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया जाता है, जिसे देख अन्य छात्र भी प्रेरित होकर सफलता के रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, जिसमें शाला प्रबंधन की मदद से यह प्रयास सफल भी होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।